दोस्तों यूरोप का एक ऐसा स्कैंडिनेवियन कंट्री जो कि शेंगेन कंट्री भी है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, और ये कंट्री अपना एक ऐसा यूनिक मुकाम रखता है तमाम कंट्रीज़ में कि अगर आपने यूरोप में किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल ग्रीस में, इटली, स्पेन, किसी भी मतलब बड़े कंट्री में भी इवन आप 10 से 15 साल गुजारे हों, तो आपको अगर वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली है, वहाँ का पासपोर्ट आप सिक्योर नहीं कर सके, तो भी आप इस कंट्री में आके विद इन 3 to 4 ईयर आप यहाँ पर ईजीली सेटल हो सकते हैं और यहाँ का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। ये कंट्री बहुत ही वेलकमिंग है, खासतौर पर यहाँ की जो स्टडी का मैार है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो आपको शायद सबने सोचा होगा मैं नॉर्वे के बारे में बात कर रहा हूँ, डेनमार्क के बारे में शायद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो हैप्पीएस्ट कंट्री में टॉप रैंकिंग पर है, जी हाँ, और ये नोबेल प्राइज़ का ओरिजिन भी है। अब तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्वीडन की। देखिए स्वीडन अपनी एक ख़ास जो है वो मुकाम रखता है तमाम कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वेलकमिंग नेशन है पहली चीज़। दूसरा ये है कि यहाँ की लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, स्वीडिश लैंग्वेज आपको आना उसी वक्त कंपलसरी है अगर आपका प्रोफेशन कुछ इस तरह का, जैसे आप पब्लिक डीलिंग में हो या आप बिल्कुल फ्रंट पे अगर आप काम कर रहे हो तो ही आपको स्वीडिश का आना लाजमी है। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि आपको डिफरेंट जॉब्स में भी स्वीडिश आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इस तरीके से मैं अपनी वीडियो से बात करता हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईच कंट्री, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ किस कंट्री में आपके लिए ईजी है कि आप वहाँ मूव हो सकें, वहाँ पे जॉब कर सकें, वहाँ पे स्टडी के लिए जा सकें। तो जनाब स्वीडन जो है वो हर लिहाज से एक आइडियल कंट्री है। तो इसकी आबादी ज़्यादा आबादी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि तकरीबन 1,80,00,000 यहाँ पे लोग आबाद हैं। स्टॉकहोम इज़ द बिगेस्ट सिटी जो कि कैपिटल भी है। इसके अलावा जो बाकी दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, लेकिन स्टॉकहोम में ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है क्योंकि आईटी से रेलेवेंट लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो आईटी एजुकेशन यानी कि जो डिग्री कोर्सेज हैं, और प्लस पे ये कंट्री जो है वो बहुत ऑफर करता है तमाम रेलेवेंट लोग, जो कि फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक आईटी में डेवऑप्स है, अगर आपने एआई में अपने काम शुरू करना कर दिया है, और प्लस अगर आप नेटवर्किंग के एक्सपर्ट हैं या आप जो है वो डिज़ाइन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं या आपके पास आईटी स्ट्रक्चर या फिर आप डेटा साइंसेस के आप स्टूडेंट हैं, तो समझें इस कंट्री में आपकी बहुत हाईएस्ट पे होगी। और प्लस ये कि यहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 यूरो इज़ इक्वल टू 10 स्वीडिश क्रोना के बराबर होता है। तो इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर जो है वो अर्न करते हैं तो आपकी यूरो में कन्वर्जन हमेशा इसकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे प्रोफेशंस के हवाले से, और देखिए इंजीनियर्स की यहाँ बहुत डिमांड रहती है, पूरी दुनिया के इंजीनियर्स यहाँ पे आके काम करने को जो है वो बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे अच्छी होती है और प्लस ये कि ये कंट्री आपको बहुत जल्दी ऑफर करता है कि आप यहाँ पे सेटल हो सकें, स्वीडिश पासपोर्ट सिक्योर कर सकें। तो अभी चूंकि यहाँ कुछ सर्दी है, मैं अब आया हुआ था ट्रैक साइड पे, तो इट्स क्वाइट कोल्ड। चलिए फिर कोल्ड से बचने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी वॉक करते हैं और आपसे स्वीडन के बारे में मज़ीद बातें करते हैं। स्वीडन का पासपोर्ट रैंक 4th इन द वर्ल्ड है, 191 कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉर्डर्स हैं दे आर अटैच टू डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड। स्वीडन की 87% आबादी रहती है शहरों में, और उसके बड़े शहरों में जैसे मैंने पहले मेंशन किया स्टॉकहोम है जो कि इसका लार्जेस्ट सिटी है, उसकी आबादी तकरीबन 9,88,000 है, और गोथेनबर्ग सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 5,96,000 है, और तीसरा लार्जेस्ट सिटी है मालमो। हम बात करेंगे स्वीडन के मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, और वाई पीपल प्रेफर टू मूव फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप टू स्वीडन एंड कैन टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी बिकॉज दे गेट ईजीली, एंड यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स डिमांड में हैं, एंड प्लस लाइक किस तरीके से एम्प्लॉयर जो है वो एडवर्टाइज करते हैं एंड एम्प्लॉयज़ को फाइंड करते हैं, एंड एवरेज सैलरीज, टैक्सेस वगैरह यहाँ पे क्या हैं, और मतलब मेन प्लेटफॉर्म्स और जॉब हंटिंग की साइट्स क्या है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट। ये दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। स्वीडन इज़ अ रियली बिग मार्केट फॉर आईटी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, इस यहाँ पे लोगों को बहुत इजीली जॉब मिल जाती है आईटी से रिलेटेड, और हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे तमाम चिल्ड्रन के लिए फ्री हैं। सो इट मीन्स ये हम कहाँ पर आ गए, इधर तो अच्छा ये पार्किंग राइट पे है, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हालांकि बहुत सारे रिमोट एरियाज में ज़रूर बोलते हैं स्वीडिश लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश हर तरफ एक्सेप्ट की जाती है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, यानी हर एम्प्लॉय के लिए ये मस्ट है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस रखे, क्योंकि हेल्दी बैलेंस हो।
इसके अलावा स्वीडन का जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज मार्वलस, ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है। इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए यहाँ पे फुल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज और फुल पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड किया जाता है। स्वीडन के तमाम सिटीज वर्ल्ड में सेफेस्ट सिटीज़ में आते हैं, यहाँ का क्राइम रेट ना होने के बराबर है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस के, देखिए यहाँ पर लिमिटेड स्पेस है क्योंकि सिटीज़ काफ़ी क्राउडेड हैं, तो काफ़ी यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है अगर आप रहते हैं स्टॉकहोम में या फिर गोथेनबर्ग में या मेलबर्न में, इन तमाम तीनों सिटीज़ में जो कि मेन सिटीज़ हैं इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली हाई है, बट एज़ कम्पेयर टू यूके और लाइक हॉलैंड एंड जर्मनी इटली कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, तो यही इसका एक मेजर एडवांटेज भी है। जॉब मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, इसके अलावा कल्चरल एडजस्टमेंट भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ के वर्क इन्वायरमेंट में फिर भी कल्चरल डिफरेंस आता है क्योंकि बहुत सारी दुनिया की डिफरेंट नेशनलिटीज़ यहाँ पे काम कर रही है। चलिए मैं तो इसको एडजस्ट कर लूँ यहाँ के व्यू को और फिर आपको सब ताकि आप यहाँ एंजॉय कर सकें। बहुत स्लोपी एरिया है भाई, यहाँ पे बहुत अप एंड डाउन से काफ़ी रॉकी साइड्स हैं ये। चलें अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। दोस्तों यहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत यूनिक है, इट मीन्स कि ये सिटी और आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, पूरी दुनिया में ऐसा टैक्स सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम में रह रहे हैं आपको टैक्स ज़्यादा पे करना होगा, अगर आप गोथेनबर्ग में हैं तो रिलेटिवली कम टैक्स होगा, यानी जितना सिटी छोटा होता चला जाएगा उतना ही टैक्स कम होता जाएगा। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे टैक्स 30-32% के दरमियान रहता है, इट मीन्स कि इट्स स्टिल वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे फॉर एग्जांपल 45% और तकरीबन 50% भी खर्च चला जाता है कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ का टैक्स सिस्टम काफ़ी बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं पे सैलरीज की, यहाँ की सैलरीज तकरीबन एक एवरेज सैलरी जो है वो 35,000 स्वीडिश क्राउन है, मीन्स के स्वीडिश क्राउन, वन स्वीडिश क्राउन इज इक्वल टू 0.1 यूरो और मीन्स 1 यूरो इक्वल टू 10 स्वीडिश क्राउन, तो अगर आप कन्वर्ट करें तो 3,500 यूरो बनती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आपका एज ब्रैकेट तकरीबन 15-25 ईयर के बीच में है तो इट मीन्स आप इजीली 35,000 क्राउन हो या फिर जिसे आप 30,500 यूरो कह सकते हैं आप इजीली अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 25-45 के मिड में है तो इट मीन्स यू विल बी अर्निंग अराउंड 41,000 स्वीडिश क्रोनो। तो ये एक सैलरी जो है वो यहाँ पे रहने के एतबार से बहुत ही रीजनेबल है, यहाँ की कीपिंग इन व्यू द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत अच्छी आपकी, ये यहाँ पे इजीली अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वीज़ा की, आप किस तरीके से यहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ का वर्क परमिट लेने के लिए यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम द कंपनी बेस्ड इन स्वीडन, तो यहाँ के एम्प्लॉयर से अगर आप जॉब ऑफर ले लेते हैं तो फिर आप इजीली अपने कंट्री में रहते हुए स्वीडन की एम्बेसी के थ्रू आप इजीली वर्क परमिट को फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री में बेस्ड हैं तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ के एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ के टॉप एम्प्लॉयर्स में नंबर वन पे जैसे कि आइकिया है, आइकिया कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में आइकिया के स्टोर्स बहुत मशहूर हैं, दुबई, स्पेन, इटली, तमाम के तमाम मिडल ईस्ट में और यूरोप में आइकिया अपने बहुत बड़े स्टोर्स रखता है, उसका फर्नीचर पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी हवाले सेल्स से है, फर्नीचर की सेल्स हो गई या फिर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में आपने कभी रोल प्ले किया है तो आपके लिए बहुत इजीली यहाँ पे आइकिया में जॉब हासिल करना आसान है, तो आइकिया में ज़रूर अप्लाई कीजिए। फिर मैं बात करूँगा एरिक्सन की। एरिक्सन इज़ वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि मेजरली प्रोवाइड करती है मोबाइल नेटवर्क्स और ये स्टॉकहोम बेस्ड है और टेलीकॉम में इसका नाम बहुत मशहूर है। पता लो किसी भी हवाले से टेलीकॉम से रहा है या आपने पाकिस्तान में यूफोन में, जैस में और किसी भी अपने मोबाइल नेट में इसमें आपने काम किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। H&M जो कि एक बहुत बड़ा नाम है क्लोथिंग इंडस्ट्री में, यानी कि यहाँ पे मैन वुमेन और चिल्ड्रन के जो क्लोथ्स होते हैं वो पूरी दुनिया में इसके मशहूर हैं, आई थिंक मोर देन 70 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। H&M में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है। इसके अलावा वॉल्वो ग्रुप है, वॉल्वो ग्रुप ऑटोमोबाइल के अंदर, वॉल्वो ग्रुप का एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नाम है क्योंकि इसकी कारें जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ही रिलायबिलिटी के हवाले से बहुत मशहूर हैं। वॉल्वो का हेड क्वार्टर है गोथेनबर्ग में और जो कि एक छोटा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू स्टॉकहोम, तो यहाँ पर भी टैक्स का ब्रैकेट भी कम होता है। इसके बाद स्पॉटिफाई कौन नहीं जानता, अगर आप इस स्मार्टफोन यूज़ करने के आदी हैं तो फिर आपने चेक किया हुआ कि स्मार्टफोन में जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग होती है उसकी टेक्नोलॉजी स्पॉटिफाई पे डिपेंड करती है, तो स्पॉटिफाई बेसिकली इट वॉज बॉर्न इन स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम में इनका हेड ऑफिस भी है और अगर आपका ताल्लुक किसी भी हवाले से म्यूज़िक स्ट्रीमिंग से रहा है तो फिर आप स्पॉटिफाई में भी अपनी जगह बना सकते हैं।
रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी इलेक्ट्रोलक्स, ये भी यहाँ बेस्ड है। और अगर आपका ताल्लुक किसी भी रेफ्रिजरेशन या वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट पे आपका एक्सपीरियंस रहा है तो आप इलेक्ट्रोलक्स में ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की। इसमें इस कांसा जो कंपनी है वो स्टॉकहोम बेस्ड है और उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेटअप है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन माइनिंग मेटल कटिंग की एक बड़ी कंपनी है सैंडविक, वो भी स्टॉकहोम बेस्ड है और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्लार्ना हम बहुत सुनते हैं क्लार्ना के बारे में, अगर आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जनाब क्लार्ना का एक बड़ा नाम है। एरिक्सन के बाद जो टेलीकॉम की दूसरी बड़ी कंपनी है वो है टेलिया। टेलिया इज ऑल्सो स्टॉकहोम बेस्ड और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है स्वीडन में और जितने भी नॉर्डिक बाल्टिक रीजन है वहाँ पर ये मोबाइल की, ब्रॉडबैंड की और डिजिटल टीवी की सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो अगेन अगर आपका ताल्लुक किसी भी हवाले से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको ताल्लुक मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल टीवी से रहा है तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सिक्योरिटी सोल्यूशन में ऐसा एब्लॉय इज क्वाइट फेमस जो कि अपने इनोवेटिव सिक्योरिटी सिस्टम में खासतौर पर एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योर एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये स्टॉकहोम बेस्ड है। और आपका एक्सपीरियंस अगर आपकी रहा है सिक्योरिटी सिस्टम के साथ तो आप इस कंपनी में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर तो फिर आपने लाजमी एटलस कॉपको का नाम सुना होगा। एटलस कॉपको स्वीडन बेस्ड है और इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी कंप्रेसर वैक्यूम सोल्यूशन एंड स्टील टूल्स की। अगर आपका ताल्लुक किसी भी हवाले से कंप्रेसर और उनकी मेंटेनेंस से रहा है तो फिर आप एटलस कॉपको में ज़रूर अप्लाई कीजिए। जब मैं मिडिल ईस्ट में था तो मेरा एटलस कॉपको से बहुत इंट्रैक्शन रहता था, तो इट्स वेरी फेमस कंपनी, इट्स वेरी रिलायबल कंपनी। तो जनाब अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।